वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल, वो भी इस पिन की मदद से। तो इस एक चीज़ से, एक हेयर क्लिप की मदद से आप कैसे बना सकते हो बहुत सारे हेयर स्टाइल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सारे बालों को अच्छे से कॉम करूँगी और एक हाई पोनी टेल बना लूँगी। ये हेयर कलर मैंने कैसे किया है कल की वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लो। हल्का गोल्डन कलर में है जो कि बहुत प्यारा लगता है। अब ये वाला पिन है आपके पास, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से लगाओगे, ओके, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं छोड़ना है तो आप इस तरीके से लेके जाओ और इसके अंदर ही दबा के हेयर को ऐसे छोड़ दो। डेली वेज में आप इस तरीके से फर्स्ट हेयर स्टाइल कर सकते हो और इसमें इस तरीके का एक जुड़ा बन जाएगा यहाँ पे। और सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, तो ये काफ़ी इजी है एंड आप डेली घर में कुछ ट्राई करना चाहते हो, इस तरीके का पिन है आपके पास तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। शादी फंक्शन में बहुत कम हेयर स्टाइल क्लिप्स लेके जाते हैं, तो अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ मिल जाए आपके बाल आपको कंफर्टेबल रखते हैं, ये पार्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप अपने घर में यूज कर सकते हो जैसे कंफर्टेबल रहने के लिए, ओके। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आधे हेयर्स को लेना है इस तरीके से, बालों में एक बन क्रिएट करना है और अपना जो आपने क्लिप लिया था उसको लेना है इस तरीके से, कैप के साथ हेयर को लेते हुए बैक से। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, यकीन मानिए, इसको आप कहीं जा रहे हो तो जींस टॉप वगैरह पे भी ये ट्राई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल आपका। और ऐसा नहीं है कि खुल जाएगा, क्योंकि हमने स्कैल्प का हेयर लिया था तो ये काफ़ी अच्छे से होल्ड हो गया है, तो निकलने का चांस नहीं है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा इस एक हेयर क्लिप की मदद से। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है, ऊपर वाले हेयर को ऐसे ही रहने देना है और अपने बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और बन बनाना है। तो आप इस तरीके से लेके आओगे नीचे से हेयर को अच्छे से और दूसरी साइड ला के इस क्लिप के अंदर ही इसको दबा देंगे। अगेन दूसरी साइड के हेयर को लेंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए फिर से बन के चारों तरफ लपेटेंगे और क्लिप के अंदर ला के दबा देंगे। आप चाहो तो एक दो यूपिन भी ऐड कर सकते हो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हेयर स्टाइल रखने के लिए, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैंने यूज़ नहीं किया है। ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ये स्टाइल आप पार्टी वगैरह में भी कर सकते हो या फिर कहीं जा रहे हो तो सिंपल इजी ट्रिक है अपने हेयर को अच्छा सा लुक देने के लिए। क्योंकि ये खुल गया तो अगर आप अपने यूपिन लगा दोगे तो ये नहीं खुलेगा, या फिर अच्छे से इस तरीके से दबा दीजिएगा अंदर से हेयर को तो भी नहीं खुलेगा, ओके। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, काफ़ी कंफर्टेबल है, घर में आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में सारे बालों को लेना है एंड ट्विस्ट करना है करके राउंड राउंड लपेटना है एंड अगेन अपना ये क्लिप लेंगे हम लोग और इसका जो एंड पार्ट है उसको स्कैल्प के हेयर के साथ ले जाएंगे और इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ही टाइटली आपका हेयर होल्ड हो जाएगा और आप ये बन लॉन्ग लास्टिंग है, आप ट्राई कर सकते हो एंड कहीं भी जा रहे हो कंफर्टेबल लुक चाहिए तो आप इस हेयर क्लिप की मदद से इस तरीके से अपने बालों को होल्ड कर सकते हो, पूरा दिन मैनेज रहेगा आपका हेयर जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। पाँचवें हेयर स्टाइल में आपको बालों को अच्छे से कॉम करना है करने के बाद फिर अच्छे से ट्विस्ट करेंगे बालों को
इस तरीके से सारे हेयर को अंदर ही तक इंसर्ट कर देंगे और ये एक फ्रेंच बन का लुक देगा आपके बालों को। इस तरीके से लगाना है, स्कैल्प के हेयर के साथ उसको अटैच करते जाना है। अच्छे से टाइटली रखिएगा बालों को। क्योंकि यहाँ से आपको लगाने में और ये बहुत अच्छे से टाइटली एकदम होल्ड हो गया आपका फ्रेंच बन बन के रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ इस एक हेयर क्लिप की मदद से। तो कैसा लगा आपको ये छठा हेयर स्टाइल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक भी होता है और बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया। तो गाइस हो सकता है कि ये हेयर स्टाइल आपने पहले भी देखे हो, बट एक हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बताती हूँ। तो ये हेयर स्टाइल एक हेयर स्टाइल टूल की मदद से बहुत कम लोग कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो और इस तरीके का हेयर स्टाइल वन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बना सकते हो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की बहुत कम हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बहुत सारे हेयर स्टाइल मिलेंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। सातवें हेयर स्टाइल में मैं यहाँ से बीच की मांग निकाल रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप मांग निकालो ना निकालो आपकी मर्ज़ी। अच्छे से कॉम कर लेंगे बालों को।